थर्ड ईयर स्टूडेंट्स वेलकम वंस अगेन। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में बच्चों हम लोग कवर करने जा रहे हैं आपका द लिविंग वर्ल्ड का सेकेंड पार्ट। ठीक है, ये हमारा क्लास 11th का एनसीईआरटी बायोलॉजी का अल्फा सीरीज चला, जिसमें मैं शॉर्टकट में सब कुछ एकदम पूरा कंप्लीट वीडियो पढ़ाने वाला हूँ, कंप्लीट चैप्टर्स। और ये काफी अच्छा एक्सपीरियंस होगा बच्चों, एक बार पूरा वीडियो देखो, उसके बाद कमेंट करके बताना कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था। तो पर्टिकुलरली इस वीडियो में बच्चों हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टेक्स्ट, इसमें लिविंग वर्ड्स का सेकेंड पार्ट में स्पेशली टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज और टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में पढ़ेंगे। दैट मीन्स इस दो पार्ट में, जो इससे पहले एक मैंने लिविंग वर्ड किया था और ये, इसमें हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा द लिविंग वर्ड्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों हम लोग इसमें कि क्या है यहाँ पे। तो सबसे पहले देखते हैं कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या होता है। तो बच्चों लास्ट क्लास के वीडियो में जब हम लोगों ने टैक्सोनॉमी पढ़ा था, तो उसमें पता चला था कि भाई इसमें हमें कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशंस, नॉमिनिक्लेचर एंड क्लासिफिकेशंस करना होता है। तो आइडेंटिफिकेशंस के प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक फीचर या डिसिमिलर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बेसिस पे हम लोग ग्रुपिंग करना स्टार्ट करते हैं, है ना। तो उसी में हम लोग बनाते हैं बच्चों टैक्सोनॉमिकल ग्रुप या कैटेगरीज वगैरह फॉर्मेशंस करते हैं इसमें। ठीक है, हम लोग कह सकते हैं सीधे सीधे यहाँ पे क्लासिफाई को हम लोग अगर कहना चाहें तो कह सकते हैं कि क्या है, क्लासिफिकेशन इन्वॉल्व द हायरार्की ऑफ स्टेप्स इन विच द ईच स्टेप रिप्रेजेंट ए टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। और टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में ऑल टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कॉन्स्टिट्यूएंट द टैक्सोनॉमिक हायरार्कीज। तो यहाँ पे एक स्टेप में, हर स्टेप्स में जैसे ग्रुपिंग जो करते हैं, जैसे यहाँ पे देख सकते हो स्पेसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड किंगडम्स हैं। तो जब इस तरह से हम लोग ग्रुपिंग करते हैं तो इच स्टेप्स में जो ये आपको ग्रुप दिख रहा है, इस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं टैक्सोनॉमिक ग्रुप। और इसी को हम अगर हम क्या करें, सारे कैटेगरीज को एक साथ अगर हम ऐसे फ्लो चार्ट में अगर रख देते हैं तो ये सब एक साथ क्या कहलाते हैं बच्चों, आपका टैक्सोनॉमिक हायरार्की कहलाते हैं। इसमें ध्यान रखना है कि ईच कैटेगरी इज रिप्रेजेंट ए यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। सब के सब क्या कहते हैं, एक यूनिट है क्लासिफिकेशन वगैरह के। और ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑक्यूपाइंग द पर्टिकुलर कैटेगरीज इज कॉल्ड अ टैक्सोन। ठीक है, टैक्सोन, जैसे कि यहाँ पे क्लास जो है, ये क्लास रिप्रेजेंट करता है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को, ये रहा क्लास। और इस क्लास में एक जो है, जैसे मैमल्स है, तो मैमल्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है तुम्हारा, ये मैमल्स रिप्रेजेंट कर रहा है उसके टैक्सोन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज जो हो गया, एक तरह से क्या हो गया, आर्टिफिशियल थिंग होता है। और बट यहाँ पर टैक्सोन्स जो होता है बच्चों, ठीक है ना, टैक्सोन जो होता है वो क्या होता है, आपका रियल ऑर्गेनिजम्स का जो ग्रुप होता है। यही लिखा है, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाइंग ए पर्टिकुलर कैटेगरीज, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, टैक्सोन कहते हैं। ठीक है, और भी इस पर डिस्कशन करेंगे हम लोग आगे वन बाय वन करके। तो हम यहाँ पे देखते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की को असेंडिंग ऑर्डर में, तो सबको एक एक करके देखते हैं। जैसे टैक्सोनॉमिक कैटेगरी सबसे पहले देखते हैं, और सर बगल में हम लोग बाद में देख लें, टैक्सोन्स को भी बाद में देखेंगे। तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में सबसे टॉप में होता है आपका बच्चा किंगडम, और ये किंगडम जो बना होता है ये फाइलम या डिवीजन के मिलने से बना होता है। डिवीजन जो वर्ड है हम लोग पर्टिकुलरली यूज करते हैं किसके लिए, हम लोग प्लांट के लिए यूज करते हैं। और जो फाइलम है ये हम लोग एनिमल के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना, फाइलम एनिमल्स के लिए और डिवीजन बच्चों हम लोग किसके लिए, प्लांट के लिए पर्टिकुलरली यूज करेंगे। इनका जो फॉर्मेशन है, दैट इज फाइलम या डिवीजन, ये क्लास के मिलने से बनता है। तो ये आपका उससे छोटा जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है, फाइलम से छोटा हो गया तुम्हारा। और उसी तरह से क्लास बच्चों ऑर्डर के मिलने से बनता है, ऑर्डर जो है फैमिली के मिलने से बनता है, और फैमिली जीनस के मिलने से बनता है तुम्हारा। और जीनस से जो छोटा ग्रुप होता है वो होता है आपका आपका स्पेसीज। तो हम अगर स्पेसीज से किंगडम की तरह बढ़ते हैं तो यही क्या हो गया, असेंडिंग ऑर्डर हो गया टैक्सोनॉमिक हायरार्की का। इट्स क्लियर। नेक्स्ट, उसमें एग्जांपल अगर हम टैक्सोन्स में देखते हैं, तो टैक्सोन्स में जैसे किंगडम हो गया एनिमिलिया, एनिमल का ले लेते हैं, और फाइलम है बच्चों यहाँ पे कॉर्डेट, उसी तरह से क्लास हो गया मेमेलिया, ऑर्डर में आ जाता है प्राइमेट्स, और प्राइमेट्स के अंदर एक छोटा सा फैमिली है जिसका नाम है होमेडेंट, और होमेडियंस में आपका एक छोटा ग्रुप है जिसको बोलते हैं जीनस, दैट इज द होमो, और उसमें एक स्पेसिस है सेपियंस। तो यहाँ पे होमो सेपियंस, दैट इज ये हम लोगों ने ह्यूमंस का टैक्सोन्स देखा है तुम्हारा इसमें, ठीक है, और साथ में टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज देख लिया हम लोगों ने। दैट्स क्लियर हो गया। तो ये कुछ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं, यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है। असेंडिंग मतलब नीचे से ऊपर की तरफ, ये जो एरो देख रहे हो उस एरो के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। दैट्स क्लियर।
चलो नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोगों को देखना है बच्चों आपका वन बाय वन करके टैक्सोनॉमी कैटेगरीज में। तो टैक्सोनॉमी कैटेगरीज में सबसे जो छोटा या सबसे बेसिक जो यूनिट होता है वो है होता है आपका स्पेसिस। तो स्पेसिस को डिफाइन करने के लिए देखो ऑल बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं, लेकिन जो सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड तरीका जो है, मोस्ट रिलायबल जो डेफिनेशन है, वो आपके मेयर का दिया हुआ बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है स्पेसिस का, ठीक है ना, मेयर ने दिया हुआ है। तो उसके हिसाब से जो डेफिनेशन है बच्चों किसी स्पेसिस का, हम कह सकते हैं कि ये क्या है आपका, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स कैपेबल ऑफ द इंटरब्रीडिंग टू प्रोड्यूस अ फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग्स। अगर मान लो कोई ग्रुप है काफी एक दूसरे से रिलेटेड है, मिलते जुलते हैं, ठीक है, और वो इंटरब्रीडिंग करते हैं। इंटरब्रीडिंग मतलब हो गया मैटिंग कर सकते हैं, और मैटिंग के थ्रू ये फर्टाइल्स ऑफ स्प्रिंग अगर बनाते हैं तो दे रिप्रेजेंटिंग आ स्पेसिस को रिप्रेजेंट करते हैं। और टैक्सोनॉमी कैटेगरीज में बच्चों ये क्या होता है, सबसे लोवेस्ट ग्रुप होता है, सबसे लोवेस्ट कैटेगरीज इसको हम लोग कहते हैं तुम्हारा। इसमें जैसे और भी बहुत सारे तमाम यहाँ पे एग्जाम्पल्स देख सकते हैं हम लोग स्पेसिस का, जैसे मैंगो एक हो गया तो मैंगीफेरा इंडिका, उसके बाद पोटेटो है तो सोलेनम ट्यूबरोसम, ठीक है ना, नाइट सेड है या इसको बोलते हैं मकोई तो सोलेनम निग्रम, उसके बाद टोमेटो है, ब्रिंजर है, लॉयन है, टाइगर है। इसमें एनिमल्स में जैसे लॉयन में हो गया पेंथरा लियो, टाइगर का होगा पेंथरा टाइगरिस, लेपार्ट हो गया पेंथरा पार्डस। उसी तरह से मॉडर्न मैन का भी हम लोग जैसे पढ़ रहे थे होमो सेपियंस हो जाएगा तुम्हारा। तो ये कुछ एग्जाम्पल है स्पेसिस के, तो इन सबको एग्जाम्पल्स को याद करना बच्चों, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है तुम्हारा इसमें। नेक्स्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी जो आता है वो होता है जीनस। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो ग्रुप है स्पेसिस का जो मिलता है जो काफी क्लोजली है, तो उनसे क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो जाता है आपका, जीनस होता है। तो इट इज एग्रीगेट ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पेसिस, क्लोजली रिलेटेड स्पेसिस। जैसे मैं यहाँ पे एक प्लांट का और एक एनिमल्स का एग्जाम्पल्स लेके चलता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे जीनस है सोलेनम, प्लांट है, तो इस सोलेनम जीनस में पोटेटो, टोमेटो, ब्रिंजल और मकोई, तो ये स्पेसिस है। पोटेटो का क्या नाम हो गया, साइंटिफिक नेम हो गया सोलेनम ट्यूबरोसम्स, टोमेटो का होगा सोलेनम लाइकोपेरेमिसियम्स, और ब्रिंजल का हो गया सोलेनम मेलानोजेना। तो दीज आर द थ्री डिफरेंट स्पेसिस विच आर क्लोजली रिलेटेड एंड फॉर्म द कॉन्स्टिट्यूएंट्स द जीनस सोलेनम का फॉर्मेशन करते हैं। उसी तरह से हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, तुम्हारा जीनस है पेंथरा, तो पेंथरा लॉयन लेपार्ड और टाइगर, तो ये सब तीनों अलग, तीन अलग अलग स्पेसीज है, बट ये काफी क्लोजली रिलेटेड होते हैं क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स करते हैं सेम जीनस को, दैट इज पेंथरा। तो यहाँ पे नाम है पेंथरा लियो, पेंथरा पार्डस, पेंथरा टाइगरिस। उसी तरह से यहाँ पे एग्जाम्पल से बच्चों थोड़ा ढक गया होगा, जीनस फिलीज है, ये कैट, हाउस कैट और जंगली कैट का ये स्पीसीज होता है तुम्हारा, फिलीज बोलते हैं तुम्हारा इसमें, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल्स हो गया। तो यहाँ पे क्या पता चला, जीनस क्या होता है, तो क्लोजली रिलेटेड जो स्पीसीज है वो मिलके बनाते हैं एक ग्रुप जिसको बोला जाता है जीनस का बोला जाता है तुम्हारा। नेक्स्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है बच्चों फैमिली। तो फैमिली कैसे बनेगा, फैमिली बनेगा तुम्हारा ये ग्रुप है आपका जो रिलेटेड जीनस थे दैट इज जेनरा, उनके मिलने से बनता है। तो इट इज द ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा दैट कॉन्स्टिट्यूएंट्स द फैमिली का फॉर्मेशन करते हैं। अब फैमिली में यहाँ पे जैसे प्लांट का और एनिमल का एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम लोगों ने जीनस देखा था अभी सोलेनम, उसी तरह से दो और जीनस है प्यूटिनिया और धतूरा, ये तीन अलग अलग जीनस है, और बट ये तीनों जीनस बच्चों एक ही फैमिली में बिलोंग करते हैं, सोलानेसिस फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे ये सब एग्जाम्पल्स है तुम देख सकते हो। उसी तरह से एक एनिमल का एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, यहाँ पे जीनस है पेंथरा और जीनस है फेलिस। तो फेलिस और पेंथरा जो जीनस है ये एक ही फैमिली में बिलोंग करते हैं, दैट इज द फेलिडेई, फेलिडेइज फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आ गया हम लोगों को कि रिलेटेड जेनरा के ग्रुप को हम लोग बोलते हैं फैमिली कहते हैं तुम्हारा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज बच्चों वो है आपका ऑर्डर। तो ऑर्डर भी क्या होगा, यहाँ पे जैसे हम लोगों ने देखा, ठीक है ना, कि आपका जीनस जो है फैमिली ग्रुप होके जीनस बनाता था, जीनस ग्रुप होके आपका फैमिली बना रहा, उसी तरह से फैमिली असेंबल होके ये बनाता है बच्चों ऑर्डर का फॉर्मेशन करता है। इट इज असेंबलेज ऑफ द रिलेटेड फैमिली। जैसे यहाँ पे भी एक हम प्लांट और एक एनिमल्स का एग्जांपल्स लेके चलते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने देखा यहाँ पे
प्लांट का, तो प्लांट में हम लोगों ने फैमिली एक अभी देखा था सोलानेसिस, उसके अलावा एक और फैमिली हम लोग यहाँ पे जोड़ देते हैं कन्वोल्यूसिस फैमिली। तो सोलेनम और कन्वोल्यूसिस फैमिली ये दोनों के दोनों एक ही ऑर्डर में आ जाते हैं, दैट इज पॉलीमोनेलिस फैमिलीज में आ जाते हैं। उसी तरह से एक एनिमल का एग्जाम्पल लेके चलते हैं, तो अभी हम लोगों ने एक फैमिली देखा था फेलेडीज और दूसरा एक फैमिली है कैनेडीज। तो फैमिली फेलेडी एंड कैनेडीज ये बिलोंग करते हैं एक सेम ऑर्डर से, दैट इज द कार्निवोरा। मतलब यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, आपका फैमिली ग्रुप होके ऑर्डर का फॉर्मेशन करता है, दैट्स क्लियर। नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, दैट इज द क्लास। तो क्लास भी बच्चों सिमिलरली उसी तरीके से क्या होता है, इट इज असेंबलेज ऑफ द रिलेटेड ऑर्डर। तो ऑर्डर मिलके क्या बनाएगा, ऑर्डर मिलके क्लास का फॉर्मेशन करता है। जैसे यहाँ फिर से हम लोग एक प्लांट और एक एनिमल का एग्जाम्पल लेके चलते हैं, यहाँ पे है क्लास कॉटिलेडनीज, ठीक है ना। एनीवे हम लोगों ने पहले जो ऑर्डर पढ़ा था, जैसे ऑर्डर पढ़ा हम लोगों ने पॉलीमोनेलिस, उसी तरह से एक दूसरा ऑर्डर है स्पेंडेलिस। तो स्पेंडेलिस ऑर्डर और पॉलीमोनेलिस ऑर्डर ये मिलके बनाते हैं क्लास, दैट इज डाइकॉटिलेडनी। ये हो गया एक एग्जाम्पल प्लांट का, और उसी तरह से अब हम आ जाते हैं एग्जाम्पल एक एनिमल्स का लेते हैं। तो यहाँ पे ऑर्डर है कार्निवोरा भी देखा था, और एक प्राइमेट है एक ऑर्डर है प्राइमेट्स। तो ये दोनों प्राइमेट ऑर्डर और कार्निवोरा ऑर्डर दैट बिलोंग टू द सेम क्लास, दैट इज द मेमेलिया, मेमेलिया से बिलोंग करते हैं। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट वन इज द फाइलम या डिवीजन। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था बच्चों कि फाइलम हम लोग ये वर्ड एनिमल के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना, किसके लिए, एनिमल्स के लिए। और जो डिवीजन वर्ड है ये हम लोग यूज करते हैं किसके लिए, प्लांट के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो हम लोगों ने क्लास तक पढ़ा था, तो ये क्लासेस ग्रुप होके असेंबल होके क्या बनाता है तुम्हारा, ये बनाता है फाइलम या डिवीजन्स बनाता है। वही लिखा हुआ है, इन केस ऑफ प्लांट द रिलेटेड क्लोज क्लासेस आर फॉर्म द डिवीजन्स का फॉर्मेशन करते हैं तुम्हारा इसमें, दैट्स क्लियर। अब यहाँ फिर से वही प्लांट का एक एग्जाम्पल और एक एनिमल का एग्जाम्पल दोनों के लेके चलते हैं। तो अभी हम लोगों ने डाइकॉटिलेडनी क्लास बनाया था, और यहाँ पे एक और आ जाता है क्लास मोनोकॉटिलेडनी। तो ये दो क्लासेस बिलोंग करता है सेम डिवीजन, दैट इज एनजीओ स्पर्मीसिया से बिलोंग करता है। एंड सिमिलरली यहाँ पे हम लोग क्लास देख सकते हैं, यहाँ पे अभी हम लोगों ने मेमेलिया तक पढ़ा था, इसके अलावा एप्स, रेप्टाइल्स और एम्फीबियन, यहाँ पे चार अलग अलग क्लासेस है, दिस बिलोंग टू द फाइलम कोरोडाटा से बिलोंग करते हैं। तो ये हो गया फाइलम कोरोडाटा, दैट इज फाइलम एंड डिवीजन। और सबसे टॉप में जो कैटेगरीज है वो है किंगडम। तो नेक्स्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं किंगडम। तो किंगडम भी क्या हो गया, ये हो गया असेंबलिंग ऑफ ग्रुपिंग ऑफ द फाइला या डिविजन्स। तो ये हाईएस्ट कैटेगरीज में कंसिडर करते हैं, सबसे टॉप कैटेगरीज में आ जाता है। ये ग्रुप होता है किसका, फाइलम और डिविजन्स का ग्रुप होता है। जैसे कि फिर से हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल प्लांट और एनिमल्स का लेके चलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम प्लांट लेके चलते हैं बच्चों, ठीक है ना, प्लांट लेके चलते हैं। तो प्लांट के केसेस में, यहाँ पे प्लांट के केसेस में हम लोग लेके चलते हैं, आ जाओ जल्दी, ये है आपका डिविजन्स एंजियोस्पर्मिया भी हम लोगों ने पढ़ा, और एक डिवीजन और जान लो जिम्नोस्पर्मिया। तो एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म बोथ आर बिलोंग टू द सेम किंगडम, दैट इज द प्लैनेटी से बिलोंग करते, प्लांट किंगडम से बिलोंग करते हैं। सिमिलरली फाइलम कोरोडाटा अलोंग विद द फाइलम आर्थ्रोपोडा दे कंस्टिट्यूएंट्स द किंगडम सेम किंगडम एनिमिलिया किंगडम का फॉर्मेशंस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब एग्जांपल्स भी उसी हिसाब से धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, और आई होप कि समझ ही रहे होगे तुम लोग कि क्या क्या सिचुएशन हो रहा है इसमें, क्लियर है। एनीवे ये था तुम्हारा टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। एक बार हम लोग फाइनली टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को भी तो एग्जांपल्स यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल काफी धांसू ये बना हुआ एग्जांपल देख सकते हो, यहाँ पे ये है तुम्हारा हनी बी, ये है बर्ड्स मैमल, मैन मतलब ह्यूमंस में मैमल्स हो गया, ये भी मैमल्स में ही आपका डॉग कैट लायन और टाइगर, देखते जाओ इसमें कैसे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। तो अगर हम ऊपर वाले सबको एक साथ लेके चलते हैं, तो दैट्स बिलोंग, ऑल आर बिलोंग टू किंगडम एनिमिलिया, सबके सब क्या है, किंगडम एनिमिलिया से बिलोंग करते हैं। दैट इज यहाँ पे ऑर्थोपोडा और कोरोडेटा, फाइलम दो हम लोगों ने बनाया था। तो दीज ऑल आर बिलोंगिंग टू द सेम किंगडम, दैट इज एनिमिलिया।
अगर यहाँ से हम लोग ऑर्थ्रोपोडा मतलब यहाँ पे हनी बी को हटा देते हैं तो अब बाकी के जितने बच गए दे आर बिलोंग टू द सेम फाइलम दैट इज द कॉर्डेट से बिलोंग करते हैं। इसमें से हम लोग बर्ड्स को हटा देते हैं, बर्ड्स को हटा दिया तो अब यहाँ पे जितने एग्जाम्पल्स दिख रहे हैं सामने आपको दिस ऑल आर बिलोंग टू द मैमल से बिलोंग करते हैं। अब इसमें से हम लोग ह्यूमन्स को भी हटा देते हैं तो अब यहाँ पे ऑर्डर आ जाता है, ऑर्डर दैट द आपका डॉग कैट लायन और टाइगर दैट इज द कार्निवोरा, ठीक है ना, कार्निवोरा। अब इसमें से हम लोग क्या करते हैं बच्चों, डॉग को भी हटा देते हैं, बाकी तो हटा ही दिया, डॉग को भी यहाँ से एलिमिनेट करते हैं। तो ये सब के सब कैट लायन टाइगर बिलोंग टू द सेम फैमिली दैट इज द फेलिस, ठीक है ना, फेलिस। इसमें से कैट को हटा दिया तो अब जो भी बच गए दैट्स कॉन्स्टिट्यूएंट द जीनस दैट इज द पैंथरा, और पैंथरा में से हम लोग लायन को हटा देते हैं तो अब बच गया स्पीसीज दैट इज द टाइगरिस। तो इस तरह से ये क्लासिफिकेशन है, ये हम देख सकते हैं बच्चों, ये आपका क्या था डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे देख सकते हो। तो सबसे जो बेसिक हो गया वो हो गया स्पीसीज, स्पीसीज कॉन्स्टिट्यूएंट्स करके बनाता है जीनस, जीनस कॉन्स्टिट्यूएंट्स करके बनाता है फैमिली, फैमिली कॉन्स्टिट्यूएंट्स करता है कंबाइंड करके ऑर्डर, और ऑर्डर मिलकर बनाता है क्लास, क्लास मिलकर बनाता है फाइलम, और फाइलम फाइनली मिलकर बना देता है बच्चों यहाँ पे किंगडम्स का फॉर्मेशन करता है। आई होप यू एंजॉय दैट वंस। नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चों हम यहाँ पे कुछ एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हैं, तो ये जस्ट एग्जांपल एक बार देख लो फटाफट, इसको याद करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे ऑर्गेनिज्म विद द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज यहाँ पे देख सकते हैं, तो इस साइड में मैंने ले लिया है, इधर ले लिया टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज और इधर ये एग्जाम्पल्स, उसी हिसाब से इस साइड में एग्जाम्पल्स चलेगा तुम्हारा इसमें। तो यहाँ पे पहला टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में लिए एग्जाम्पल लिया मैंने कॉमन मैन, कॉमन मैन में यहाँ पे आ जाता है बच्चों कॉमन मैन, ठीक है ना, कॉमन मैन में यहाँ पे कॉमन नेम में, सॉरी कॉमन नेम में है जैसे मैन, हाउस फ्लाई, मैंगो और वीट। अब इसका बायोलॉजिकल नेम हो गया होमोसेपियंस, और हाउस फ्लाई का मस्का डोमेस्टिका, मैंगो का हो गया मैंगिफेरेंडिका, और वीट का हो गया टाइटिकम्स एस्टिवम्स। अब इसी तरह से होमोसेपियंस दैट बिलोंग टू द बच्चों इसमें जीनस होमो, ठीक है, उसी तरह से फैमिली होमेडीज, प्राइमेट, मेमिलिया एंड कॉर्डेटास में आ जाता है। तो ये सब एक साथ ग्रुप में अलग अलग है, फैमिली, ऑर्डर, क्लास और फाइलम में। उसी तरह से हाउस फ्लाई में, मैंगो में और ये वीट में, ये सारा पूरा एग्जांपल्स आपको डाइकोट में एज इट इज मिल जाएगा, और उससे कुछ ढक गया है तब भी उसको आपको पढ़ना ही है बच्चों, ठीक है, तो दैट्स क्लियर। तो ये हो गया हम लोगों का टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के कुछ एग्जांपल्स हो गए इसमें, ठीक है ना, दिस ऑल आर द टैक्सोनॉमिक ग्रुप। अब आ जाते हैं नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है बच्चों टैक्सोनॉमिकल एड, ठीक है, दैट्स द लास्ट पार्ट हो गया हम लोग का टैक्सोनॉमिकल एड, ठीक है। टैक्सोनॉमिकल एड क्या होता है बच्चों, इसका डेफिनेशन अगर हम देखते हैं तो जैसे हमें आइडेंटिफिकेशन करना है एन ग्रुप का, तो आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हमें एक रेफरेंस के लिए कुछ चाहिए होता है बच्चों, कुछ लेना होता है, तभी हम क्या करेंगे उसके साथ हमें कंपेयर करने का मौका मिलेगा, समझ में आ रहा, कंपेयर करने का मौका। तो अब ये रेफरेंस कहाँ पे हैं, क्या चीज है, इन्हीं को हम टैक्सोनॉमिकल एड कहते हैं, क्या बोलते हैं, दैट्स अ टैक्सोनॉमिकल एड। जैसे हर्बेरियम है, बॉटनिकल गार्डन है, जूलॉजिकल पार्क है, म्यूजियम है, की है, फ्लोरा है, मैनुअल है, मोनोग्राफ है एंड कैटलॉग है, दीज आर डिफरेंट टूल्स हैं, एनालिटिकल टूल्स हैं जिनके बेसिस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं ऑर्गेनिजम्स का, क्लियर है। नेक्स्ट वन आ जाते हैं वन बाई वन करके बच्चों, सबसे पहले देखते हैं हम लोग टैक्सोनॉमिकल एड में, पहला है हर्बेरियम, सबसे पहले हर्बेरियम देखते हैं। तो हर्बेरियम जैसे यहाँ पे देख सकते हो हर्बेरियम्स क्या है यहाँ पे, तो इट इज स्टोर्ड हाउस होता है स्पेशली किसके, प्लांट स्पेसिमेंट्स को, बट बिफोर द डिपोजिटिंग दैट प्लांट स्पेसिमेंट्स वी हैव टू क्या करना होगा, ड्राई इट, प्रेस्ड इट एंड वेल प्रिजर्व्ड ऑन द सीट, देन आफ्टर डूइंग दैट थिंग दैट मीन्स इस प्रोसेस के थ्रू हम बना लेते हैं हर्बेरियम सीट, एंड दिस हर्बेरियम सीट को बच्चों अरेंज कर दिया जाता है अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन। तो बेंथम हुकर का जो है सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड है, तो उसके हिसाब से उसको हर्बेरियम्स में हम लोग इसको जमा कर देते हैं, और हर्बेरियम वाले में इसको क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर यूनिवर्सल एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन के हिसाब से उसको अरेंज कर दिया जाता है। तो ये पहला क्वेश्चन इसमें बन गया कि हर्बेरियम होता है ये प्लांट स्पेसिमेंट्स के, डेड या लिविंग, तो डेड प्लांट्स के लिए होता है, क्योंकि जब भी डेड होगा तभी तो हम उसको कंप्रेस करेंगे और उसको ड्राई करेंगे, प्रेस करेंगे, तो इस तरह से हर्बेरियम सीट बनाना होता है हम लोगों को।
अब यहाँ पे जैसे हर्बेरियम सीड्स क्या होता है, जब बन गया है तो इसको बहुत ही अच्छे तरीके से बारीकी के साथ इसको लेबल्ड करना होता है। और लेबलिंग में हम लोग यहाँ पे डेट डाल सकते हैं, प्लेस ऑफ कलेक्शन कहाँ से इसको कलेक्ट किया वो डाल सकते हैं, उसका इंग्लिश नेम क्या है, लोकल नेम क्या है और उसका बॉटनिकल नेम क्या है, वो सब चीज़ें वहाँ पर मैंशन करना होता है। साथ में फैमिली और जिसने भी कलेक्ट किया उस कलेक्टर का नाम भी हमें यहाँ पर मैंशन करना होता है। तो इस वाले डायग्राम में देख सकते हो ये हर्बेरियम शीट है और यहाँ पे साइड में कोने में ये लेबल किया हुआ है, यहाँ पे लेबलिंग किया जाता है तुम्हारा इसमें। ये भी दूसरे बहुत सारे अदर अदर एग्जांपल्स है तुम्हारा हर्बेरियम शीट का देख सकते हो। तो ये सब अलग अलग तरह के हर्बेरियम शीट है बच्चों इसमें। तो ये कंप्रेस्ड प्लांट्स के ही पार्ट है तुम्हारा, ठीक है। तो ये था हर्बेरियम शीट्स। उसमें नेक्स्ट आ जाते हैं टैक्सोनॉमिकल एड में, दूसरा है बॉटनिकल गार्डन। तो बॉटनिकल गार्डन बच्चों क्या है, इसमें हम लिविंग प्लांट स्पेसिस को एज अ गार्डन वगैरह जो ना बड़ा टाइप का गार्डन उसको बना के वहां पे स्टोर करते हैं। तो इट इज द स्पेशलाइज गार्डन हैविंग द कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट। तो ये लिविंग प्लांट होता है फॉर द रेफरेंस एंड आइडेंटिफिकेशन, रेफरेंस एंड आइडेंटिफिकेशन। इच प्लांट जो है यहाँ पे भी लेबल करना होता है विथ बॉटनिकल नेम एंड फैमिली। तो यहाँ पे जैसे प्लांट होता है उसमें एक ग्रीन कलर कैसे पट्टी लगा दिया जाता है और उस पर लेबल कर दिया जाता है तुम्हारा इसमें, ठीक है। अलग अलग चीजें से यहाँ से लेबल कर दिया जाता है तुम्हारा इसमें। और यहाँ पे कुछ हम लोगों को ये नाम भी याद रखना है, कुछ नाम यहाँ पे ध्यान में रखना पड़ेगा कि कुछ बॉटनिकल गार्डन। तो जैसे यहाँ पे एक हो गया नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है, दूसरा रॉयल बॉटनिकल गार्डन कीवी, इंडियन नेशनल बॉटनिकल गार्डन हावड़ा और एक नेशनल बॉटनिकल रिसर्च यहाँ पे लखनऊ। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है बच्चों बॉटनिकल गार्डन के, तो जिनको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आ जाते हैं टैक्सोनॉमिकल एड में, नेक्स्ट वन इज द बायोलॉजिकल म्यूजियम या ओनली म्यूजियम बोल सकते हो। तो म्यूजियम में क्या है बच्चों, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भी प्रिजर्व्ड प्लांट या एनिमल्स को हम लोग कलेक्ट करते हैं, ठीक है ना। कलेक्ट किया जाता है फॉर द रेफरेंस एंड आइडेंटिफिकेशन के लिए रखा जाता है यहाँ पे भी, ठीक है। तो इट इज द कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल्स फॉर द स्टडी एंड रेफरेंस पर्पस के लिए। तो यहाँ पे ये सब म्यूजियम्स वगैरह में देख सकते हो, किसी भी चीज़ को रखा जा सकता है तुम्हारा इसमें, ठीक है। बट यहाँ पे डेट होता है, जैसे बड़ा एनिमल है तो उसको क्या करेंगे, स्टफ्ड करके उसकी स्किन्स के अंदर प्रिजर्व किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे ये बर्ड्स वगैरह हो गए हैं, ठीक है ना, बर्ड्स वगैरह यहाँ पे देख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे बच्चों म्यूजियम में यहाँ पे किस तरह से प्रिजर्व किया जा सकता है, तो यहाँ पे पहला है स्पेसिमेन प्रिजर्व्ड इन प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस इन कंटेनर और जार में। जैसे ये कंटेनर और जार में हम लोग प्रिजर्व कर सकते हैं, ये बहुत सारा रखा है तुम्हारे स्कूल्स वगैरह में भी इस तरह से बहुत सारे एनिमल्स। इसमें बेसिकली फॉर्मल्डिहाइड एक केमिकल्स होता है उसके अंदर में इसको स्टोर किया जाता है तुम्हारा इसमें, ठीक है। सेकेंड वन इज द बच्चों इसमें क्या हो सकता है, ड्राई स्पेसिमेन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। तो यहाँ पे ये सब देख रहे हो, सब फंगस है, तो इसको ड्राई और जो भी है प्लांट और एनिमल के स्पेसिस को रखा जा सकता है। जैसे वो बड़े साइज का जिसको कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, तो कंप्रेस नहीं करेंगे तो हम हर्बेरिया में नहीं रह सकते हैं, तो उसको हम म्यूजियम में रख सकते हैं। नेक्स्ट वन है बच्चों, अगर जैसे इंसेक्ट है तो इंसेक्ट को प्रिजर्व किया जाता है इस तरह से इंसेक्ट बॉक्स में आफ्टर द कलेक्शन किलिंग एंड ड्राइंग एंड पिनिंग देम, ठीक है ना। तो ये इंसेक्ट बॉक्स है, ये सब दिख रहा है तुम्हें, तो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ इंसेक्ट बॉक्स है ये तुम्हारे इसमें, ठीक है। तो इसमें इंसेक्ट बॉक्स में रखा जा सकता है। और लास्ट वन इज बच्चों, जैसे बोला कि इसमें अगर मान लो जैसे लार्ज एनिमल्स हैं तो उसके एनिमल्स में स्टफ्ड लार्ज एनिमल्स लाइक बर्ड्स एंड मैमल्स को स्टफ्ड करके भी रखा जा सकता है, और बड़े एनिमल्स में उन एनिमल्स का स्केलेटन भी रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे स्केलेटन्स हैं, ये एलिफेंट का और ये ह्यूमंस का, तो इसको भी प्रिजर्व किया जा सकता है तुम्हारा इसमें। तो दैट्स द म्यूजियम हो गया टैक्सोनॉमिकल एड में। नेक्स्ट वन आ जाते हैं जूलॉजिकल पार्क। तो जैसे तुम्हारा बॉटेनिकल गार्डन है उसी तरह से जूलॉजिकल पार्क होता है, या इसको जू कहते हैं। तो यहाँ पे हमें लिविंग एनिमल्स को प्रिजर्व करके रख सकते हैं। तो दीज आर द प्लेस वेयर द लिविंग वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट इन प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट अंडर द ह्यूमन केयर, अंडर द ह्यूमन केयर में रखना होता है। और इट हेल्प द लर्न अबाउट द फूड हैबिट्स एंड बिहेवियर ऑफ दैट पर्टिकुलर एनिमल्स, जिससे उसे और अच्छे से हमें मैनिपुलेट करने में ईजी मिलता है। जंगल में है तो उसके पीछे ऑब्जर्व करना थोड़ा मुश्किल होता है उनके बिहेवियर को, फूडिंग हैबिटाट्स को। बट इसमें एनिमल्स में एक चीज़ का खास ध्यान रखना पड़ता है बच्चों, कि अगर मान लो कि हमने क्या किया है तुम्हारा, कि अगर एनिमल्स को हम जू में प्रिजर्व कर रखे हैं तो हम उनको क्या करेंगे, उसी तरह का एक एनवायरनमेंट देते हैं जैसा कि जंगल में होता है, ठीक है। तो इन दोनों में बॉटनिकल गार्डन और ये तुम्हारा म्यूजियम जो बच्चों, ये एक्स टू कंजर्वेशन में आ जाता है। किसमें आ जाएगा, इस बात का ध्यान रखना, एक्स
सीटू कंजर्वेशन किया जाता है, तुम्हारा मतलब उसके नेटिव प्लेस से दूर हम लोग रखते हैं। नेक्स्ट वन इज द टैक्सोनॉमिकल एड में है बच्चों आपका की, या टैक्सोनॉमिकल की भी कहते हैं इसको। टैक्सोनॉमिकल की बच्चों एक एनालिटिकल डिवाइस है, आर्टिफिशियल थिंग है, ये एनालिटिकल या आर्टिफिशियल थिंग होता है, ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन द सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स वगैरह बताना होता है और उसी के बेसिस पे हम लोग इसको ग्रुपिंग करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो बच्चों की पहला पॉइंट इसमें, इट बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, और इन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को हम लोग क्या कहते हैं, जनरली इनको कहते हैं कपलेट, और ये हमेशा पेयर्ड में रहते हैं कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जो भी है। और इच कपलेट जो है बच्चों टू अपोजिट स्टेटमेंट होता है, ऑफ दीज आर रिलेटिवली ऑप्शंस आर एक्सेप्टेड एंड अदर इज रिजेक्टेड। तो जो आपका कंपेरेटिव या रिलेटिव वर्ड है उनमें से कपलेट जो है उनमें से एक को एक्सेप्ट कर लेंगे और एक को रिजेक्ट कर लिया जाता है। कैसे, उसको अभी एग्जाम्पल्स के तौर पर दिखा दूंगा मैं आप लोगों को। इच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं हम लोग, लीड्स कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लोगों के पास एक सालमेंडर है, लिजार्ट है, टाइगर है, गोरिल्ला है और ह्यूमंस है। अब हम चाहते हैं इन पांचों को हम डिस्टिंग्विश करें, जैसे ह्यूमंस को हमें एकदम बिल्कुल अलग करके देखना है। तो हमने सबसे पहला कैरेक्टर ले लिया ड्राई स्किन्स। तो ड्राई स्किन्स अब्सेंट इन सालमेंडर, तो इसको इस स्टेटमेंट को रिजेक्ट कर देना है। यस तो हमें इसको रखना है हेयर, क्योंकि हमें ह्यूमंस तक पहुंचना है। सॉरी यस ड्राई स्किन्स तो यस। तो अब आ जाते हैं दूसरा कैरेक्टर लेते हैं हेयर। अगर हेयर अब्सेंट है लिजार्ड तो उसको हम लोगों ने इसको डिस्कार्ड कर दिया, और प्रेजेंस है हेयर तो हम लोगों ने रख लिया। फिर नेक्स्ट इसमें लीड्स बनाते हैं अपोजिबल थम्स। थम्स जो होता है अपोजिबल थम्स के बारे में, अगर नहीं है तो इसमें बोलते हैं टाइगर, और बाकी अगर प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं हम लोग यस बोलेंगे, और इसको आगे हम लोग ये चलते हैं। तो स्टेटमेंट में अब हो गया कि अपोजिबल थम्स अप प्रेजेंट तो दैट इज यस, तो ये आ जाते इधर। अब नेक्स्ट फीचर लेते हैं बाइपेडल लोकोमोशंस, तो नो बाइपेडल लोकोमोशन, तो गोरिल्ला एलिमिनेट हो गया, और यस दैट इज ह्यूमंस आ गया। तो अब ह्यूमंस को आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पे क्या क्या कैरेक्टर बन गया, तो ड्राई स्किन्स होता है, हेयर प्रेजेंट होता है, अपोजिबल थम्स होता है, बाइपेडल लोकोमोशन परफॉर्म्स करता है। तो दीज आर द कैरेक्टर ऑफ द आपका, इसी को बोलते हैं एनालिटिकल। ये भी आर्टिफिशियल थिंग है, एनालिटिकल मेथड होता है फॉर द आइडेंटिफिकेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट इसमें आ जाता है टैक्सोनॉमिकल एड में बच्चों, ये है आपका फ्लोरा। फ्लोरा तो फ्लोरा जो है, फ्लोरा एंड फाउना एक वर्ड सुना होगा, बट ये फ्लोरा क्या होता है यहाँ पे देख सकते हो डायग्राम, पहले देखो। फ्लोरा में बच्चों ये है पान हिमालया जैसे करके एक फ्लोरा है। तो इसमें पर्टिकुलरली क्या होता है, एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट स्पेसीज इन ए गिवन एरिया। तो किसी पर्टिकुलर एरिया में, जैसे यहाँ पे हिमालय एरिया में किस तरह के प्लांट यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो दैट विल ऑल आर रिटेन इन द फ्लोरा। ये इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलेगा, फ्लोरा में मिलता है हम लोगों को इसमें, दैट्स क्लियर। दूसरा आ जाते हैं बच्चों यहाँ पे टैक्सोनॉमिकल एड में है मैनुअल। तो मैनुअल में क्या होता है, जैसे ये है मैनुअल है, तो इसमें है मैनुअल्स में किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन है। जैसे यहाँ पे मैनुअल ऑफ हार्मफुल मेराइन माइक्रो एल्गा, तो ये क्या है आपका, इसमें सिर्फ मेराइन माइक्रो एल्गा वो भी हार्मफुल के बारे में सारे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा तुम्हारा। तो ये लिमिटेड हो गया, ठीक है, लिमिटेड हो गया। तो मैनुअल्स क्या होता, आर द रिकॉर्ड दैट कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पेसिस फाउंड इन ए पर्टिकुलर एरिया। किसी एक ही पर्टिकुलर एरिया में होता है तो हम उसको बोलते हैं मैनुअल्स कहते हैं तुम्हारा। जैसे यहाँ पे मेराइन एरिया में मिलता था। नेक्स्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज बच्चों मोनोग्राफ। तो मोनोग्राफ बेसिकली क्या होता है तुम्हारा, इसमें मोनोग्राफ होंगे हम देख सकते हैं। तो दीज आर रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन दैट कंटेन एनी वन ऑफ द टैक्सोन्स। किसी एक पर्टिकुलर टैक्सोन्स के बारे में अगर इंफॉर्मेशन है तो उसको बोलते हैं मोनोग्राफ कहा जाता है, ठीक है ना, मोनोग्राफ कहते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग बच्चों, नेक्स्ट जो है आपका टैक्सोनॉमिकल एड है वो है कैटलॉग। तो कैटलॉग में जैसे नहीं अल्फाबेटिकली अरेंज कर देते हैं तो उसको बोलते हैं कैटलॉग। तो यहाँ पे क्या होता है, इट इज एन अल्फाबेटिकल लिस्ट ऑफ स्पेसीज रिकॉर्डेड होता है, तो उसको बोलते हम लोग कैटलॉग कहते हैं तुम्हारा इसमें, दैट्स क्लियर बच्चों। तो ये था हमारा टैक्सोनॉमिकल एड के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताना बच्चों, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं अब्दुल बायोलॉजिस्ट के नाम से, और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो
सब्सक्राइब करिएगा बच्चों, दैट्स अब्दुल बायोलॉजी क्लासेस, ठीक है ना। और मेरा नाम है अब्दुल मनान, आई एम योर बायोलॉजी मेंटर, ठीक है बच्चों। इसी के साथ हम लोग मिलते हैं, यहीं पे समाप्त करते हैं इस वीडियो को और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अल्फा सीरीज में देखते हैं क्या होता है। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तब तक के लिए अलविदा बच्चों, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।